कोविड-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहां तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयां तक पहुंचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं, कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रहना जाएं तो उसकी भी छूट, 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर RBI के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसकी विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो, और यही नहीं हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्वगुरु बना सकें उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं, और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूंगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो या आज के संकट के समय भारत में PPE और मास्क के निर्माण की बात हो। और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है, और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20,00,000 करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसके विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं, लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा।